राज्यसभा में पारित होने के साथ ही 127वां संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। इस संविधान संशोधन बिल के दोनों सदनों से पारित हो जाने से राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार बहाल हो जाएगा। इस विधेयक के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताते हुए रोहतक के स्थानीय निवासियों ने कहा कि इससे वंचितों और पिछड़ों को उनके अधिकार मिल सकेंगे। बिल का पास होना ये मानवता को एक तरीके से बल प्रदान करने वाली बात है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, सर्वत्र इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये मानवता जात के लिए, मानवता पक्ष के लिए, निरंतरता के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी परतंत्रता से हटने के लिए ये बिल पास हुआ है। तो हम सभी जितने भी भारतवासी हैं इस बिल का हमें समर्थन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य हुआ है। जिस प्रकार से पहले सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती थी, सारी शक्तियाँ अब राज्यों को अधिकार मिलने से हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर इन समस्याओं को निपटान कर सकेगा और जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो अपेक्षित वर्ग हैं उनको खास तौर से इसमें फ़ायदा होगा। राज्यों को अधिकार दिया गया है तो हर राज्यों को अपने अपने हिसाब से देखना है, सोचना है कि किसको क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए। और जो वंचित वर्ग हैं वो कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और हर राज्य की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं, तो जहां पे जो परिस्थिति लागू होती है उस हिसाब से हर राज्य अपना अपना इसको कानून को लागू कर देगी।